पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्राइडल बैग का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपकी शादी होने जा रही है और आप काफी कंफ्यूज हो कि आप अपने जो बैग होता है, जो आपके साथ एक पर्स जाता है, आप जो ली रहती है, उसमें क्या चीजें रखो, क्या मेकअप बॉक्स में रखना चाहिए, कैसी चीजें अपने हैंड बैग में रखनी चाहिए ताकि वो आपको फटाक से मिल जाए। क्योंकि जब आपकी शादी होती है तो वो मेकअप बॉक्स जब आप सबके सामने ओपन करती हो तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सी सिचुएशन आ जाती है, होता है ऐसे। तो आपको एक अपने साथ मेकअप बॉक्स तो रखना ही रखना है, उसे आपको तो रखना है। बट जो आपका हैंड बैग होता है उसमें भी आपको कुछ मेकअप के प्रोडक्ट, कुछ जरूरी चीजें जो आपको तुरंत मिल जाए। आप कार में ही बैठे हो तो ही आप टचअप कर सकते हो अपना, काफी दूर का सफर है तो आपका, और ये हैंड बैग आप हमेशा कैरी कर सकते हो। मैं अभी अपने साथ कैरी करती हूँ, मैं अपना बैग मेकअप बॉक्स लेके नहीं जाती हूँ, अब मैं अपना ये हैंड बैग लेके जाती हूँ जो हमेशा उसी तरह रखा रहता है। तो ये है, जी हाँ, तो इसी का एक वीडियो है, अच्छा था आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आ जाए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो या अभी सनशाइन पूजा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जितने आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि एक ब्राइडल बैग कैसे तैयार करते हैं। जब भी आप अपना बैग बाय करने जाओ तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ज्यादा सेशन वाले बैग ना लो, जिसमें ज्यादा चैन होती है। कोशिश करो कि बैग जब भी परचेज करो, एक ये स्पेस रहना चाहिए, ये काफी जरूरी स्पेस रहता है, और प्लस आपका स्पेस बस ये ऐसे वाला रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह रहना चाहिए ताकि आपकी जरूरत की सारी चीजें आ जाए। जितनी ज्यादा चैन होती है, ज्यादा इधर स्पेस होता है, तो ये सारी चीजें आपकी नहीं मिल पाएंगी, और जरूरत जब होती है आप इस तरफ देखोगे, उस तरफ देखोगे तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन एक फुल बैग है आपका, जैसे ये बैग देख रहे हो इस तरह का फुल है, तो चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। दिखाती हूँ कि मैंने अपने इस बैग में क्या रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैं अपने बैग में रखती हूँ, एक ये आपको पाउच दिख रहा होगा ना, तो मैं यहाँ पे आराम से रख लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको एक पाउच ले लेना है, इसमें आपको अपना पूरा बॉडी केयर की चीजें रखनी है, ठीक है, जो आपका इसमें फेस वॉश हो, देख लीजिए इस तरह से आपको लेना है, जो आपके बैग में अच्छे से हो जाए। आपको बैग ना ज्यादा बड़ा लेना है ना छोटा लेना है। तो इसमें सबसे पहले एक ब्यूटी ब्लेंडर रहता है मेरा, ठीक है, ये ब्यूटी ब्लेंडर होता है जो मैं गीला करके लगाती हूँ, जिसे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाती हूँ, ठीक है। आपको एक फेस वॉश रखना है इस बैग में, ठीक है, आपका जो भी फेवरेट फेस वॉश है वो रखिए। अगर आपका उसका मिनी पाउच है आपके पास तो वो रख सकते हो। इस तरह की सारी चीजें, जैसे मेकअप फिक्सर है जो आप यूज करते हो अगर तो रख सकते हो, ये है मेकअप रिमूवर, और साथ में हम रखते हैं इसमें एक और ब्यूटी ब्लेंडर पर मिस्ट, ठीक है, मिस्ट कैसे कोई, और साथ में अगर आप मिस्ट यूज करते हो तो मिस्ट रखो, टोनर यूज करते हो तो टोनर रखो, आप इसमें स्क्रब भी रख सकते हो, ठीक है। मैं जो जो चीजें रखती हूँ वो बता रही हूँ, आप बॉडी वॉश रख सकते हो आप, ठीक है, और एक बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जो भी आप यूज करते हो वो रख सकते हो, ठीक है, साथ में एक टोनर रख सकते हो, और मैंने इसमें एक सोप भी रखा है, जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है, पड़ जाए तो कोई बात नहीं, और एक शार्पनर है, ठीक है, पता नहीं क्यों इसमें है ये, लेकिन ये अभी तो था। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं रखती हूँ आपको जो इसमें काफी ज्यादा जरूरी है, आप अपने बैग में भले आपने लगा रखा है लेकिन एक एक्स्ट्रा जरूर रखना, ठीक है, पता नहीं कहाँ नई शादी हो रही है, पता नहीं कहाँ रख दो, तो एक या दो एक्स्ट्रा मास्क आपको जरूर रखने हैं, ये मैं हमेशा रखी रहती हूँ अपने बैग में। प्लस इसमें हमको, अब मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मेरे ब्रश, ठीक है, मैं अपने ब्रश या तो किसी बॉक्स में रखी रहती हूँ या ये जो इसके साथ मिलता है, तो मैंने एक साथ इसमें सारे ब्रश, वैसे तो चार पांच ही रखे जाते हैं लेकिन मैंने इस तरह सारे रखे हुए हैं। मैंने काजल का इसमें रखा है, मैंने फाउंडेशन वाला, सारे ब्रश मेरे इसी में, तो ये हमेशा मेरे साथ रहता है, और बाकी का आप अपने बॉक्स में रख सकती हो, ठीक है, आप चाहो तो दो ब्रश भी रख सकती हो, जो काफी ज्यादा जरूरी है ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे सारे यही रहते हैं तो मैं
बताते हैं। प्लस साथ में मैं ये छोटा सा बॉक्स रखती हूँ और जिसमें इसमें मेरी कुछ ज्वेलरी रहती है, मेरी वॉच रहती है और पायल मेरी रहती है, क्योंकि मैं पायल इतना पहनती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ या अपने ससुराल जाती हूँ तो वहाँ के लिए मैं इसमें ये पायल रखी रहती हूँ। ऐसा गोल्ड का तो ऐसा कुछ नहीं रखती हूँ, लेकिन बस ऐसी आर्टिफिशियल सारी चीज़ें रख लेती हूँ। सेफ्टी पिन भी कभी इसमें चली जाती है। प्लस साथ में मुझे रखती हूँ मेरा फेवरेट गुड वाइफ का सीरम। आप जो भी सीरम यूज करते हो वो ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली जो चैन होती है साइड वाली, ठीक है, ये जो साइड वाली होती है इसमें मैं क्या रखती हूँ। ठीक है, साइड वाली में सबसे पहले मैं रखता साइड क्या साइड वाला जो स्पेस होता है तो उसमें मेरा रहता है कंसीलर, क्योंकि मेरा चेहरा काफ़ी भरा है तो मैं कंट्रोल जरूर करती हूँ, तो मैं रखती हूँ इसमें। साथ में एक सिंदूर रखती हूँ जो काफ़ी ज़रूरी है ऊपर रखना, ठीक है। और प्लस इसमें मैं रखती हूँ अपना फाउंडेशन रखती हूँ, ठीक है। और साथ में अब आ जाइए कुछ लिप कलर रखती हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जो काफ़ी जल्दी से लग जाते हैं, ठीक है। साइड वाले में जो स्पेस है मैंने आपको दिखा दिया है। आईब्रो पेंसिल रखती हूँ मैं, मस्कारा रखती हूँ, काजल, ठीक है, प्लस आईलाइनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस क्या है जेल आईलाइनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं उस वाले स्पेस में रखती हूँ। साथ में कुछ कैश रखती हूँ ताकि ऊपर ही रहे, ठीक है, ये जो ऊपर ही रहेगा। प्लस क्या है, प्लस मेरी कार की एक्स्ट्रा की, मैं अपनी कार की जो एक्स्ट्रा की होती है वो हमेशा अपने बैग में रखी रहती हूँ। आई डोंट नो बट पता नहीं क्या है कि मेरे साथ वो रहती है, तो हो सकता है कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े शायद इसीलिए रहती है। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। आप भी चाहो तो कर सकती हो ऐसा, क्योंकि कभी कभी चाबियां खो जाती हैं, मुझे ये डर रहता है चाबी खो जाएगी तो घर कैसे जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको और क्या चीज़ें साइड में रखनी है और क्या क्या चीज़ें मैंने रखी है, ठीक है। मैं बताती हूँ ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला जो यहाँ पे जिप रहता है, ठीक है, ये वाला स्पेस जो यहाँ पे जिप रहता है इसमें मैं क्या रखी हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे से प्लस मैंने दो मिनी लिप कलर रखे हैं, न्यूड मिनी लिप कलर है तो लाइट है थोड़े से, कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। प्लस पता नहीं क्यों मैंने इसमें ये 20 रुपये रखे हैं और काफ़ी दिनों के हैं ये। प्लस एक मैं रखती हूँ इसमें सीट मास्क रखती हूँ इस तरह टैबलेट वाले, तो कभी गुलाब जल की सहायता से भी आप इन्हें लगा सकते हो या ऐसे ही ठंडे पानी के साथ लगा सकते हो। प्लस थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी मैं रखती हूँ वाले में ये इस तरह की, ताकि कभी ज़रूरत पड़ सके, ठीक है। और सेफ्टी पिन उनकी पिन रखती हूँ और कुछ अपना लकी चार्म रखती हूँ जो मैं नहीं दिखाऊंगी। सब अपने बैग में कुछ ना कुछ अपना लकी चार्म रखते हैं। और हेयर ब्रश साइड में हेयर ब्रश। अब मैं बताती हूँ मेन पार्ट जो होता है उसमें क्या क्या रखी हूँ। स्पेस देख रहे हो कितना ज़्यादा हो जाता है ना, तो वीडियो लंबा हो जाए तो स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ना करना, ठीक है। फाउंडेशन बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखानी है। अब मैं बताती हूँ मेन में मैंने क्या क्या रखा है, ठीक है। पहले मैंने रखा है प्राइमर, ठीक है, सुनीसा का प्राइमर मैंने हाल में ही रख लिया क्योंकि मुझे पसंद आया, नहीं तो या तो मैं कलर बार का यूज करती हूँ या फिर मैं यूज करती हूँ, आपने कई बार देखा होगा क्या, कौन ब्लू हेवन वाला, मुझे ब्लू हेवन वाला काफ़ी पसंद आता है। कलर बार वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो उसे खाली ऐसे, तो ये है ब्लू हेवन का भी है मेरे पास, देखिए मैं बता इतना, ये मेरे पर्स में हमेशा रहता है और कलर बार का मेरे मेकअप बॉक्स में रहता है, ठीक है, ये हो गया। प्लस मैं रखती हूँ ये वाला फेस पैलेट, क्योंकि इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाती है, ठीक है, आपको इसमें हाइलाइटर कॉम्पैक्ट सारी चीज़ें मिल जाती है। मैंने कई बार आपको इसका रिव्यू भी किया है, तो अगर आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो। प्लस मैं अपना फेवरेट रखती हूँ इसमें, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है हाइलाइटर। देखिए हाइलाइटर से ये होता है ना, अभी क्या होता है देख रहे हो आप, जैसे ये होता है, ठीक है, आपने कोई भी मेकअप नहीं किया है तो अगर तो बस ये हो जाता है हाइलाइटर से, ये देखिए, इसीलिए मैं इस तरह हाइलाइटर रखती हूँ। ये है मैबलिन का,
ठीक है, हाइलाइटर रखती हूँ मैं, एक आईब्रो पैलेट है मेरा वेट एंड वाइल्ड का, यानी वो सारी चीज़ें जो मेरी फेवरेट है और मैं फटाफट यूज कर लेती हूँ वो रखती हूँ। एक आई शैडो पैलेट मैं रखती हूँ, ये कौन सा है, मेकअप रेवोल्यूशन का जो मैट लुक के लिए है, और एक आई शैडो पैलेट है लैक्मी का जो सिमरी लुक के लिए, तो ये दोनों मैं रखती हूँ। अगर आप ब्राइडल हो तो अगर आप कॉम्बो पैक है अगर आपके पास तो वो रखो, लेकिन एक आई शैडो पैलेट जरूर अपने बैग में रखो, हैंड बैग में। आप सारी चीज़ें मेकअप बॉक्स में ना रखो, रखो वहाँ के लिए भी रखो, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें जरूर रखो, क्योंकि ये जो बैग होता है ये आपके ज़्यादा काम आता है, ठीक है। प्लस ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज करते हो तो वो जरूर अपने बैग में रखो, और वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज रखो कि जो आप काफ़ी दिनों से यूज कर रहे हो, जिसके आप आदी हो गए हो, ठीक है। ये नहीं कभी, क्योंकि शादियों में तो हम नया सामान लेते हैं ना, लेकिन वो चीज़ें जो आप यूज करते हो उसके आदी हो गए हो और आप फटाक से यूज कर लेते हो, वो आप अपने बैग में रख सकते हो, ठीक है। जो न्यू प्रोडक्ट आपके लिए हैं उसे आप अपने मेकअप बॉक्स में रख सकते हो, ठीक है। साथ में ये हमेशा रहता है, और फिर आपको रखना है एक परफ्यूम, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी, डीओ नहीं कहूँगी रखने को, मैं परफ्यूम कहूँगी रखने को, मिनी परफ्यूम या जो भी परफ्यूम, और अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम रख सकते हो आप। प्लस अगर आपके आई लेसर का शौक है तो आप ज़रूर रखिएगा आई लेसर, ठीक है, और इसका ग्लू तो जरूर रखिएगा आप जब आई लेसर रख रहे हो तो। उसके बाद एक ऐसा लिप कलर आपको लेना है जो ये मेबलिन का होता है, ये लिप कलर अगर गर्मियां हैं या सर्दियां हैं आपके लिए बेस्ट होगा। और कई लोगों के फिर जब नई नई शादी होती है तो लोग डिनर पे इनवाइट करते हैं, लंच पे इनवाइट करते हैं, और जब हम खाते हैं तो हमारे लिप कलर निकल जाता है, तो आपके लिए ये जो मेबलिन का लिक्विड मैट लिप कलर होता है ना, ये ले सकते हो आप। अराउंड 600 के आसपास आता है ये, और ये 12 से 13 घंटे तक आपके लिप पे लगा रहता है, तो आप चाहे जितना खाओ, टचअप की भी जरूरत नहीं होती है, काफ़ी अच्छा लिप कलर है, लेकिन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्लस फिर ये कुछ लिप कलर है मेरे कलर बार के, एक ये पिंक में है अभी, और ये थोड़ा ब्राउनी सा लुक देता है, ठीक है। लिप कलर आपको पिंक रखने हैं, न्यूड रखने हैं, रेड जरूर रखना अपने बैग में, और फिर ये सारे कलर रखने हैं। फिर आपका सिंदूर तो हो गया था, और क्या है, हाँ सॉरी एक चीज़ और है आपका, ये है कॉम्पैक्ट पाउडर है, और ये लिप कलर मेरे बैग में हमेशा रहता है। ग्लिटर, ठीक है, ग्लिटर की अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो ठीक है, नहीं पड़े तो नहीं ज़रूरत है। प्लस आपका चार्जर, ठीक है, चार्जर जरूर रहना चाहिए, और प्लस आपका एक वॉलेट, ठीक है, आपका इस तरह से क्लच बैग जरूर रहना चाहिए। ये सारे कार्ड आ जाएंगे, आपका कुछ मनी आ जाता है इसमें, ठीक है, और जो भी चीज़ देना चाहो, क्योंकि नई नई जब शादी होती है तो आपको पता है जब आप मिलते हो लोगों से तो कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है, छोटे बच्चों से मिलते हो, तो इस तरह का बैग अपने पास जरूर 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 रखिएगा, ठीक है। ये हो गया, अब प्लस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अभी हाल में मैं अपने बैग में रखती हूँ सुनीसा, जी हाँ, क्योंकि ये मुझे इतना पसंद आया है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया, तो ये मेरे हैंड बैग में अब रहता है। तो अगर आपका कलर मेरे जैसे है या मुझसे ज़्यादा फेयर हो तो आप इसका यूज करके देखना, आपको ये बेहद पसंद आएगा, बेहद पसंद आएगा। तो ये मेरे बैग में रहता है, अब मेरा काम हो गया ख़त्म। तो एक मेरे पास रहता है ये प्लकर, ठीक है, और एक मेरे पास ये रहता है, वो पता है आपको क्यों रहता है, वीडियो वालों के पास रहता है। चार्जर मैंने दिखा दिया है, प्लस ये काम हो गया है मेरा, हाँ एक मेरी फेवरेट लिप कलर, ठीक है, मैं बता रही हूँ ना मेरा। तो ये बैग हो गया है मेरा खाली, पूरा खाली, आप देख सकते हो इसका स्पेस, देख सकते हो इसका कलर, देख सकते हो ये फॉरएवर का बैग है जो मेरे जीजू ने मुझे गिफ्ट किया, और ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। और साइड में अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें आपको क्या रखना है, ये वाला चीज़ जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको इसमें रखा है मेरा सेफ्टी पिन, ठीक है, नोज रिंग मैं रखती हूँ इसमें, जूरा पिन रखती हूँ इसमें मैं, ठीक है, इसके इसमें मैं बिंदी रखती हूँ, कुछ बिंदी जो आप लगाते हो, ठीक है, हमेशा लगाते हो वो बिंदी रखती हूँ मैं। साथ में इसमें मैं क्लचर रखती हूँ, ठीक है, और मैं ऊपर एक मिनी शुगर का लिप कलर जरूर रखती हूँ अपने साथ। प्लस मेरी की रहती है घर की, ओके, और मेरा एक रहता है लिप बाम, मेरा ये फेवरेट लिप बाम है, और
जब भी मैं इस वाले बैग में इसको जरूर कैरी करती हूँ, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। शुगर का है, और अगर आप एक अच्छे लिप बाम की तलाश में हो तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। प्लस मैं साथ में रखती हूँ एक पेन, मैं अपने साथ एक पेन जरूर रखती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम आता है। प्लस मेरे साथ रहता है जो अभी सन ग्लासेस जो नहीं है अभी, और सैनिटाइजर सारी इधर उधर हो गया है कॉम, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा फ़ोन है तो वो रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बैग में ज़रूर रखनी है, और हो सकता है इधर उधर कुछ चीज़ें मैं भूल गई होंगी। तो अगर आप ब्राइडल हो, नेल पेंट और नेल रिमूवर रखना है आपको, मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, और कुछ कॉटन रखना है जिससे आप मेकअप रिमूव कर सको, कॉटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, और भी जो चाहती होगी आप, कुछ आपके फेवरेट चीज़ें होंगी वो भी रख सकती हो। कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बता दिया है कि आपको बैग इस तरह का लेना है, ज़्यादा चैन वाले, इधर चैन उधर चैन वाले नहीं लेना। अगर आप ब्राइड बनने वाली हो, आपकी शादी होने वाली है, तो आपको इस तरह के बैग जरूरत होगी। आप वाले बैग भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप जब विदाई होती है आपकी तो आप ये बैग लेके जाना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल। काफी लंबा वीडियो हो गया।